हेलो, ताजमहल में बम लगाया गया है और वह कभी भी फट जाएगा। गुरुवार को इसे एक फोन कॉल ने ताज नगरी में हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि आनन फानन में ताज परिसर से भारतीय व विदेशी पर्यटकों को बाहर निकाला गया। तलाशी और जांच के बाद जब सच सामने आया तो उसने अफसरों को राहत की सांस तो दी, लेकिन साथ ही उनका पारा भी चढ़ा दिया। दरअसल ये सेना की भर्ती टलने से नाराज एक शख्स की खुराफात थी। वही पुलिस ने ताजमहल में बम होने की सूचना देने वाले युवक को काबू कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली थी कि आगरा के ताजमहल में बम है, बम किसी भी समय फट सकता है। इतना कहकर कॉलर ने फोन काट दिया। पुलिस तुरंत अलर्ट हुई और ताजमहल में पर्यटकों को बाहर निकालकर चेकिंग शुरू की गई। बाद में फिरोजाबाद के एक युवक को पकड़ा गया जिसने ताजमहल में बम की सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि युवक आर्मी भर्ती रद्द होने की वजह से नाराज था और इसी वजह से उसने फेक कॉल की थी। बताते चले कि आज यानी वीरवार को सुबह पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी ने फोन करके ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। सूचना पर तत्काल आगरा पुलिस को अलर्ट किया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा और CISF के साथ ताजमहल के अंदर मौजूद सारे पर्यटकों को बाहर निकाला गया। पर्यटक परेशान ना हो इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अचानक उन्हें इस तरह बाहर निकालने और पुलिस फोर्स को देखने के बाद लोग डर गए और खुद ही जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगे। हालांकि सुबह होने के कारण ताजमहल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए पुलिस को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। ताजमहल से पर्यटकों को बाहर करने के बाद उसके दोनों मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और अंदर चप्पा चप्पा खंगाला गया। इधर पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जिसमें ताजमहल में बम होने की सूचना का कॉल आया था। बताते चले कि ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल को आज गुरुवार को बंद कर दिया गया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके आगरा पुलिस को कहा कि ताजमहल में बम रखा है, जिसको लेकर परिसर के अंदर अफरा तफरी मच गई। ताजमहल के अंदर बम की सूचना मिलने पर CISF और UP पुलिस के जवानों ने पूरा परिसर को खाली करा दिया। कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि कोटा की ताल लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पे बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल CO सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। CISF को अलर्ट कर दिया गया है, उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।